अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसी है मेरी YouTube फैमिली? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो आप सबको जो है वो माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो, और दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी, मेरी फैमिली के लिए भी, और आप सबके लिए भी हम दुआ गो हैं। और आज है जी माशाल्लाह से सारिम का 5th हैप्पी बर्थडे, और आज पहला रोज़ा भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह से बड़ा मुबारक दिन है। तो बस ये छोटी सी जो है वो अफ्तारी बनाई है मैंने घर पे ही। स्कूल से आके इतना थक गई, बिल्कुल भी मैंने रेस्ट नहीं किया। फटाफट जो है वो फ्रूट चाट, चना चाट, और साथ में जी है ये हमारे दही फुलकी, और सारिम का बर्थडे केक है, साथ में टैंग है, और समोसे और रोल भी हैं जो मैं रख कर आई हूँ फ्राइंग पैन। ये सारिम की मूंछी कहाँ से निकल आई? सारिम बढ़िया हो गया। अच्छा हटाएं तो सही, मुझे हटाएं अपनी। माशाल्लाह लुकिंग सो ब्यूटीफुल। हैप्पी बर्थडे। बर्थडे बॉय कैसा लग रहा है? अच्छा, मैंने झंडा उड़ा दिया। मुझे अब जरा मुझे खड़ा होके दिखाए मेरा बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह से हैप्पी हो। अच्छा कैप तो उतारो। अच्छा शर्ट नीचे डाउन डाउन। अच्छा कैप उतारे, चलो पहन ही रखे। इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। तो जनाब ये छोटी सी हमारी बर्थडे सेलिब्रेशन है अफ्तारी के साथ। अभी रोज़ा नहीं खुला, रोज़ा खुलने में अभी जो है वो 10 मिनट्स हैं। तो बस ये हमने जो है वो अफ्तारी से जा ली है, भले गर्म हो जाए। बाकी आप सब ने जो है वो दुआओं में रखना है बहुत ही याद। समोसे तो आपने जला दिए यार, पहले सामने, वही सामने बैठो ना बर्थडे बॉय, सामने बैठो। तो जी जनाब पहला रोज़ा जो है वो माशाल्लाह से बखैर आफियत जो है वो खुल चुका है, और अब कुछ टेबल के ये हालात हैं आफ्टर अफ्तारी। अभी जो है ना वो सब चीज़ें चढ़ गई हैं शराटे के साथ। और ये कार्ड है जो सिबल ने मेरे लिए और साकिब के लिए बनाया, मतलब मामा बाबा के लिए बनाया है, रमज़ान मुबारक का। और मुझे बहुत पसंद आया सिबल, टू मामा एंड बाबा रमज़ान मुबारक, रमजान करीम, फ्रॉम सिबल, आई लव यू, आई लव यू टू। पर बनना है, पर भार बनने हैं मैं और सिबल। देखो वाओ नाइस, नाइस। और ये जो है खजूरें, ये मेरी बहुत प्यारी स्टूडेंट है, उसने आज मुझे जो है वो हैप्पी रमजान बोला है, और साथ में ये खजूरें जो है वो दी हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये छोटी छोटी सी जो है वो, इसे आप क्या कहेंगे, ग्रेटिट्यूड है ये बहुत, मतलब रमज़ान मुबारक, मतलब एक बहुत अच्छे तरीके से। देखिए मैं ससमा फ्रॉम इकरा राशिद, थैंक यू सो मच इकरा, बहुत प्रीशियस मेरे लिए हैं ये डेट्स। और साथ में उसने पूरी क्लास के बच्चों को जो है रमज़ान मुबारक बोला, और साथ में ये गुडी अब बैग कह लें, पाउच कह लें, जिसमें खजूरें और साथ में केक वेक। मैंने ये खा लिया, ये सिबल का और सारिम के लिए ये मैंने खा लिया, ये खा लिया आपने। जी 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 जी। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होते हैं जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बर्थडे के तो हम गुडी बैग्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं खुशियों के, तो ये भी एक बहुत बड़ी खुशी है रमज़ान जो है मुसलमानों को मिला, और इसके रोज़े रखना तो ये बहुत बड़ी नेमत है, तो इसको भी सेलिब्रेट करना मैं चाहिए। केक भी खाऊंगा। अभी अभी सारिम की बर्थडे का केक कटना मैं है, केक खाऊंगा, ये भी खाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी ये नहीं खाना, अभी केक खाना है आपने, फिर केक नहीं खाया जाएगा। हाँ इसे रख दो, अभी थक गए हैं हम लोग ना, मतलब थक गए क्या, मतलब रोज़ा खोलने के बाद आपको पता है ये क्या हालत होती है। तो अभी केक जो है ना वो बाकी है, तो अब थोड़ा सा रिफ्रेश होके फिर केक काटते हैं। सिबल का भी जो था ना फर्स्ट बर्थडे था वो रमज़ान में ही आया था, तो वो भी फिर अफ्तारी के बाद सिबल का केक कटा था। सारिम को कौन याद आ रहा है?
अब्बा याद आ रहे हैं? अब्बा अभी आए होंगे, आपको नजर नहीं आ रहे। अब्बा आपको विश करने आए हैं बर्थडे, नजर आ रहे हैं? मैं केक काटने लगा हूँ, अब्बा आप कहाँ हो? सलीम क्या कर रहे हैं आप बेटा? मैं क्या छील रहे हैं? अनार छील रहे हैं? नहीं। फिर अभी तो आप कह रहे थे कि मैं एक साइड पे छिलके रख रहा हूँ, एक साइड पे अनार रख रहा हूँ। भूल गया। भूल गए थे क्या? ये मामा की हेल्प कर रहे हो आप जी? ये क्या छील रहे हो? मैं क्या बोलते हैं इसको, कौन सी वेजिटेबल है ये? ये अचार। अचार तो नहीं है। फनी, सो फनी। मटर है ये? मटर इसके अंदर से तीन निकले। क्या है ये? मटर पीस बोलते हैं ना इंग्लिश में, प पीस म मटर। ठीक है, और सारिम यहाँ कर रहा है मेरी हेल्प, क्योंकि मुझे जो है वो शाम में बनाने हैं राइस और चावल। मुझे चावल बहुत पसंद है। और सारिम को चावल बहुत पसंद है, तो सारिम हेल्प कर रहा है। जब से मैंने नानी के हाथ के चावल खाए, नानी के हाथ के चावल सारिम को बहुत पसंद है, क्योंकि नानी वाइट से बिल्कुल लाइट से चावल बनाती हैं, तो सारिम बड़े शौक से खाता है। तो अभी सारिम मुझे भी बोला था कि आपने नानी जैसे चावल बनाने हैं जैसे नानी बनाती हैं, लाइट से मिर्ची बिल्कुल नहीं डालनी, क्योंकि फिर सारिम से खाए नहीं जाते, है ना सारिम? और अच्छे भी नहीं, और फिर अच्छे भी नहीं लगते। सारिम बहुत हेल्प करता है मामा की, है ना? चावल पसंद है, चावल पसंद है। सारिम इज़ वेरी हेल्पिंग बॉय ना, मामा की बहुत हेल्प करता है, सारे काम करता है मेरे। बहुत अच्छा बेटा है मेरा। ये लाइन में खड़े हैं, ये लाइन में खड़े हैं। ये तीनों अभी थोड़ी देर पहले सारिम साहब बोल रहे थे कि मैं अनार छील के अनार साइड पे रख रहा हूँ, छिलके साइड पे रख रहा हूँ, है ना? भूल गया था मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। क्या हाल चाल है, कैसा जा रहा है रमज़ान? माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का भी बहुत अच्छा जा रहा है। बाकी आज काफ़ी हॉट वेदर है, काफ़ी गर्मी फील हो रही है, वरना माशाल्लाह 4-5 दिन तो बहुत अच्छे जो है वो रोज़े गुजरे हैं, बड़ा अच्छा मौसम था। तो आज फील हो रहा है कि समर इज़ कमिंग।